तो आज मैं चैनल पे आई हूँ, बहुत दिन बाद आई हूँ और मुझे बैठी बैठी भूख लग रही थी। मुझे शाम का टाइम था तो मैं सोचे जा रही थी मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो मुझे एकदम याद आया कि मेरे पास ये एक पैकेट रखा है, मैं इसकी भेल बना लेती हूँ। हल्का भी रहेगा शाम के टाइम और खाने में भी चटपटा रहेगा, तो बस मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ। और काफ़ी दिन से आई नहीं तो मुझे लगा कुछ तो चाहिए मुझे डालने के लिए, तो बस ये भेलपुरी है, तैयार मिल जाती है मार्केट में इस टाइप के पैकेट। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें काट के रखी हैं, प्याज लिया है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, नींबू है, और आप और चीज़ भी डाल सकते हो उसमें, खीरा भी डाल सकते हो, मीठी चटनी भी डाल सकते हो। मैं मीठी चटनी नहीं डालूंगी, मुझे खट्टा खाना है, चटपटा खाना है, तो आप इसमें मीठी चटनी भी डाल सकते हो, खट्टी चटनी की ज़रूरत नहीं है। और ये सब डाल लेते हैं इसमें, और जब इस टाइप से बनाते हैं ना चटपटा तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। और इसमें ये नींबू निचोड़ देते हैं, और मैंने तोमर साहब से भी बोला कि आप खाओगे क्या, तो वो भी वेट कर रहे हैं खाने का। हल्का सा नमक डालेंगे, वैसे तो इसमें नमक है पर इसमें क्या है ना कि हमने इतने सारे मसाले डाले हैं तो इनमें नमक की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है। थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे, आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप काला नमक भी डाल सकते हो। लाल मिर्ची में नहीं डालूंगी, मेरे अभी छाले हो रहे हैं तो हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, और लाल मिर्ची वैसे भी पहले से इसमें है क्योंकि हमने चटपटी हरी मिर्ची डाल दी है। तो इस टाइप से आप टापट बना के खा सकते हो, हमने तो भेल डाली है, आप इसमें चने भी ले सकते हो, बाकी की कोई भी नमकीन ले सकते हो, और इस तरह से खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस हमारी ये फटाफट भेलपुरी बन के तैयार हो गई है, और बहुत जल्दी बन जाते हैं इस टाइप के स्नैक्स। तो सर्व कर लेते हैं इसमें, और जैसे हम एक सुंदर से बर्तन में रख के खाते हैं ना, किसी भी चीज़ को सर्व करते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। तो देखिए ये सर्व कर दिया है मैंने, और बस। और इसे क्या करें कि जैसे आपको बनाना है ना, तो प्याज टमाटर जो भी आपको इसमें डालना है ना वो पहले काट के रख लें, और ये अलग से रखें भेलपूरी। और आपके पास भेलपूरी नहीं है तो सीधी लाई बोलते हैं ना, जो इस टाइप की लाई आती है, वो भी मंगा के और नमकीन डाल के भी आप बना सकते हो। और बस जब आए गेस्ट आए या आपको खानी है उसी समय मिक्स करें, अगर आप इसको मिक्स करके रख दोगे तो फिर ये सील जाती है और तुरंत खानी पड़ती है। ये नहीं है कि आप थोड़ी देर बना के रख दो और बाद में खा लो, तो आपको बना के तुरंत खानी पड़ेगी। मैंने इसमें मीठी चटनी नहीं डाली है, मीठी चटनी भी डाल सकते हो और चटकारे लेके खा सकते हो। तो अब मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ तो यही वीडियो डाल रही हूँ, बहुत सिंपल सा वीडियो, बस सोच ही रही थी क्या डालूँ क्या डालूँ। तो बस आप भी इंजॉय करिए। राजा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ले लूंगा। तो बस भेलपुरी बन गई है और मैं चटकारे लेके खा रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी है। कुरकुर की आवाज भी आ रही है, तो आप जरूर बनाएं और खाएं। मैंने बताया ना, अगर आपके पास भेल नहीं है तो आप कुछ भी लीजिए, चने ले लीजिए, मोठ ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, और इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। आपके पास मीठी चटनी नहीं है ना और आपको खट्टा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा सॉस डाल लीजिए या थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। मस्त बनी है, अब भी बनाइए और खाइए।